हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये कपड़ा दोस्तों 2 मीटर कपड़ा है, सलवार की कुर्ती पहननी है। ये सलवार की कुर्ती ज़्यादा लंबी नहीं रहती है और पैंट की कुर्ती लंबी रहती है। ये कपड़ा दोस्तों फोल्ड कर लिया है और हम सीना जो है दोस्तों तो 44 इंच है, कमर 42 इंच और हिप जो है 48 इंच। साइज भी कुर्ती है दोस्तों, बड़ा साइज है। अब हम पहले लेते हैं गले की नाप। गला है 2.5 इंच और लंबाई है 7 इंच। अगर पट्टी लगाना है दोस्तों तो 2.25 इंच गला कटिंग करना चाहिए। अगर बकरम पे बिठाना है तो 2.5 इंच। अब हम बकरम पे गला बिठाएंगे तो हम 2.5 इंच ले लिया है। अब आपको हम बता रहे हैं फार्मूला पर हम बकरम पे गला बिठाएंगे, आप लोगों को समझा देंगे। अब हम तीरा लेंगे, बड़ा साइज है तो दोस्तों 7 इंच का तीरा ले लिया और 4.5 ये मुद्दा हो गया। 7 इंच का तीरा और आर्मोल भी 7 इंच है। अब हम सीने का निशान 44 का चौथा भाग 12 इंच है, ये 12 इंच पे लगा लिया। अब यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक की दोस्तों 21 इंच आता है, 21 इंच। तो 7 इंच पे 21 इंच, 7 इंच पे आर्मोल हो गया और 14 इंच पे ये हो गया कमर और 21 इंच पे हिप हो गया। अब हम कमर है 42 इंच, 42 का चौथा भाग 10.5 इंच और हिप 48 इंच, 48 का चौथा भाग 12 इंच। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा। अब हम यहाँ इसका निशान सेंटर का ये भी 12 इंच पे लगा देते हैं। अब यहाँ से नाप लगा के अब 2-2 इंच मार्जिन, 2 इंच है इधर। ये कर लिया और 2 इंच कर लिया। गोलाई दोस्तों लेनी है आगे के पल्ले में, आगे के पल्ले में रखते हैं 1.5 इंच, पीछे के पल्ले की 2 इंच। अब इसको हम दोस्तों कटिंग कर लेती हूँ। पहले पहले हम आगे वाले पिछले पल्ले की गोलाई कटिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि पीछे का पल्ला बराबर करके कटिंग कर लेना है, क्योंकि इसमें दोस्तों गला बना है, पट्टी बनी है, इसीलिए वो सेंटर पे रखा गया है। इसलिए पीछे का पल्ला बाद में कटिंग होता है, अगर आगे का पल्ला कढ़ा है तो वो वही पहले किया जाता है, करना चाहिए दोस्तों। सॉरी, तो मेरी वीडियो अंत तक के जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे ये कटिंग कैसे हुई है।
इसको पहले बराबर कर दिया दोस्तों, कपड़ा पहले रख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा भी नहीं कपड़ा कटिंग करना है। बराबर करके अपनी वस्तु को कटिंग कर दे रही हूँ। क्योंकि कटिंग में दोस्तों गड़बड़ कभी नहीं करना, कटिंग में गड़बड़ हो गया तो फिर सिल लें, सही नहीं सूट बनेगा। अब हम पहले हम ये सेंटर वाला कटिंग कर लेंगे। एक ये दाम का फिटिंग का, ये वाला कटिंग करने से दोस्तों बहुत अच्छा फिटिंग बनाने में नाप लगाने में दिक्कत नहीं आती है। और ये बहुत सेंटर का हिस्सा नीचे भी सेंटर का हो गया। अब हम इसको पीछे वाला पल्ला हटा दे रही हूँ, अब हम आगे वाले पल्ले की ब्लाउज कटिंग कर ले रही हूँ। मेरे वीडियो आप देखेंगे तभी समझ में आएगा दोस्तों। ये दोस्तों हम वीडियो अभी डाल नहीं पाए हैं क्योंकि कटिंग कटिंग करने में दिक्कत होती है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है और पर किराए के मकान में रहती हूँ उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है कटिंग, इसलिए हम वीडियो कटिंग की नहीं डाल पाते दोस्तों। किसे कटिंग इतना कपड़ा बचा है दोस्तों गुलस्ती में, तो इसलिए हम पूरे बनाएंगे दोस्तों, बड़े कपड़े नहीं है तो हम कटिंग करेंगे।
करूंगी दोस्तों। ये कितनी इंच लंबाई है? चार इंच कर लेंगे। यहाँ से 3 इंच ऐसे करके फिर कढ़ाई कर देंगे। ऐसे उठा के हम आधा इंच कटिंग कर देंगे। अब हम दोस्तों निशान लगा लेंगे। आगे के निशान में ऐसे निशान लगाने से उल्टी सीधी अस्थिर नहीं लग सही अस्थिर आएगी। ये दोस्तों अस्थिर हो गए, ये अस्थिर हो गए। अगर मेरी वीडियो देखिएगा, अगर पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में लिख के बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।